हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको हम मॉरीशस कंट्री का ऊपर का व्यू, उसके चारों तरफ का पानी कैसा है, उसके पहाड़ कैसे हैं, वहाँ पे मैदान कैसे हैं, वो सभी दिखाने वाले हैं। अभी आपको हाइट से नज़र आ रहा है, जो नीचे समतल मैदान दिख रहा है, ये मैदान नहीं है, ये कम से कम 50 मीटर पानी के नीचे की ज़मीन दिखाई दे रही है। पानी यहाँ का इतना साफ है, बिल्कुल गंदगी नहीं है, पानी बहुत साफ नज़र आता है। मॉरीशस एक हिंदू राष्ट्र भी है, जिसमें कम से कम 50% लोग भारतीय मूल के हिंदू है। यहाँ पे शुरू में सबसे पहले फ्रांसीसियों द्वारा शासन किया गया, उसके बाद ब्रिटिश शासन यहाँ पे चला, उसके बाद जब आज़ादी के समय इसकी कम से कम 70% पॉपुलेशन भारतीय मूल की थी। क्योंकि भारत से, जैसे जो ब्रिटिश शासन के समय की बात है, उसमें भारतीय मूल के बहुत सारे लोगों को वहाँ पे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से वहाँ पे ले जाया गया। तो वो वहाँ पे ही जब मॉरीशस आज़ाद हो गया तो वहीं पे ही वो बस गए। अभी मॉरीशस का आप व्यू देखिए, ऊपर से कितना शानदार है ये, जहाँ पे पास में पानी टकरा टकरा, क्योंकि मॉरीशस के चारों तरफ पानी है, मॉरीशस के चारों तरफ पानी है। यहाँ ये डायरेक्ट धरातल से कहीं से भी नहीं जुड़ा हुआ है, ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है, उनके ईस्ट में मेडागास करके भी ईस्ट में स्थित है। आप चारों तरफ का इसका व्यू देख पा रहे, कितना अच्छा है। यह है मॉरीशस, एक द्वीपीय देश है, उपद्वीपीय देश है, द्वीपीय देश भी नहीं बोल सकते इसको, छोटा है, 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी पॉपुलेशन इस समय 10 से 12 लाख पॉपुलेशन है। चारों तरफ का बहुत ही शानदार व्यू आप देख पा रहे हैं। हिंदू आबादी होने के साथ साथ वहाँ पे काफ़ी हिंदू मंदिर भी है, जिनका अभी आपको हम दर्शन करवाएंगे। गंगा तालाब है वहाँ पे, माँ दुर्गा की, शिव की, हनुमान जी की, सबकी मूर्तियाँ बनी हुई है, और बहुत ही हिंदू संस्कृति के अनुसार वहाँ पे पूजन किया जाता है। यहाँ की जो आम जनता है, वो उनका गुजर बसर यहाँ पे इतनी अच्छी लोकेशन में बसा हुआ है कि यहाँ पे आज भी घूमने के लिए बहुत सारी जगह से लोग आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू मिलता है आपको, बीचेज भी बहुत ज़्यादा है। एक मिश्रित संस्कृति है, मिश्रित भाषाएं बोली जाती है, भोजपुरी भी यहाँ की एक भाषा है, ताकि अगर इंडिया से जैसे जाते हैं लोग तो उनको भी काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। चारों तरफ से समुद्र का पानी टकरा टकरा के पत्थरों का शेप इतना शानदार हो गया है कि आपको अगर एक लुक देखना चाहे आप ऊपर से तो देखते ही बनता है। अभी यहाँ से चारों तरफ घूमने के बाद में हम पहुँच चुके हैं जो मंदिर का एरिया है उसके आसपास में। तो नीचे से आपको दिखाते हैं कि ये देखिए आप, मंदिर का दो दिख रहा है, गंगा तालाब के पास की जगह है ये। ये गंगा तालाब से आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, शिव और माता दुर्गा की प्रतिमाएँ नज़र आ रही है। जो पानी इकट्ठा हो रहा है, ये गंगा तालाब है, बहुत ही शानदार और सुखद जगह है। ये सामने गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, हनुमान टेम्पल के ऊपर से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। अभी हनुमान टेम्पल के ऊपर से चारों तरफ का कैसा व्यू नज़र आता है। ये सामने हनुमान टेम्पल है, या फिर से आपको साइड में लेके जाते हैं बीचेस के किनारे। उसके अलावा वहाँ का रहन सहन, जो घर वगैरह बने हुए हैं, सामने जो मैदान दिख रहा है, वहाँ पे फसलें भी होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल होती नहीं है, बहुत सारी जो खाने पीने की सामग्री है वो बाहर से ही इनको परचेज करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ के रोड वगैरह, यहाँ के मकान वगैरह, यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो बहुत ही काफ़ी अच्छा और शानदार बना हुआ है। सही में जितने समय के लिए हम गए हैं मॉरीशस में, मॉरीशस में रह के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया है। कंट्री का व्यू आप देख के, इतनी पेड़ पौधे, इतनी हरियाली, एक पहाड़ी पे बसा हुआ ऐसा नज़र आता है कि धरती का स्वर्ग हो। कई बड़े बड़े पुस्तकों में भी कई लेखकों ने लिखा है कि मॉरीशस धरती का स्वर्ग है। ये बीच का नज़ारा है, बीच का माटी बिल्कुल साफ, पानी बीच पे बिल्कुल साफ है, आपको आराम से वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी।
बोटिंग वगैरह, वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है, वो सब कुछ आपको बीचेस पे नज़र आएगी। और मॉरीशस का राष्ट्रीय पक्षी जो डोडो पक्षी है, वो भी एक विश्व की विलुप्त प्रजाति केवल है, और वो वहाँ पे केवल मॉरीशस में भी पाया जाता है। वो मॉरीशस का राष्ट्रीय पक्षी है डोडो। मैं आते समय मैंने अपने खुद के लिए भी डोडो परचेज करके लेके आया था वहाँ से। ये देखिए स्विमिंग पूल भी बहुत सारे बने हुए हैं, अगर नीचे की तरफ देखना चाहें तो एक के बाद एक स्विमिंग पूल, हर 100 मीटर के बाद 200 मीटर के बाद में कम से कम एक स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है। मतलब इसको इस प्रकार बसाया गया कि केवल पर्यटन की दृष्टि से ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहे, और इसकी जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा योगदान है। केवल पर्यटन की दृष्टि से इसकी जीडीपी चल रही है, बहुत अच्छा योगदान है। आप नज़ारा देखिए यार, नज़ारा देखिए, क्या पेड़ है, काफ़ी हाइटेड पेड़ है, साइड में मैदान भी है, बीच भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, इम्प्रूव कर रखा है इन्होंने यहाँ से। कनेक्टिविटी चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है, अगर कोई भी सैलानी जाता है तो होटल से, बीच से, स्विमिंग पूल से, इधर उधर से आपको कनेक्टिविटी सभी जगह से अच्छी खासी मिल जाती है। तो हम भी पार्टी के लिए पहुँच के, और तो हमने देखा कि आप देख रहे हैं कि बोट में हम भी काफ़ी आनंद ले रहे हैं। तो बोट थोड़ी साथ में बोट राइडिंग करने पहुँच गए, तो उसकी मस्ती भी अपनी जगह एक अलग मस्ती है। और जब अपने दोस्तों का ग्रुप मिल जाए तो उसका कहना ही क्या है। उसके बाद बीच पे हम आ गए, बीच का एक नज़ारा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि बीच पे कैसा पानी है, कैसे दूर दूर से सैलानी आए हुए रहते हैं, कैसे धूप सेक रहे हैं।
वैसे हम तो धूप से पके हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी धूप हमने भी सेक ली थोड़ी बहुत। ये देखिए भाई साहब कैसे सो रहे हैं। अरे वो जल प्रिया है उसमें। पानी के बीच में बिल्कुल शांत समुद्र में हम आ गए हैं। यहाँ ब्रेक वाटर है ताकि यहाँ पे जैसे छोटे छोटे जो टापू बने हुए वहाँ पे पार्टीज की जा सके, सॉन्ग का म्यूजिक का सिस्टम रहता है सभी जगह पे। उसके बाद में अपने दोस्तों के संग हमने वॉलीबॉल भी जमा लिया। हम वॉलीबॉल अपने साथ में लेके गए थे, तो वॉलीबॉल के गेम को भी हमने अपने हिसाब से वहाँ पे जमा लिया। जहाँ पे भी हमें हार्ड पेस मिला वहीं पे हम वॉलीबॉल खेलने के लिए लग गए। और भाई सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब वहाँ पे हम बीच समुंदर में जब सनराइज होते हुए और सनसेट होते हुए देखते हैं। ऐसे हम जगह जगह पे सनसेट व्यू पॉइंट और सनराइज़ व्यू पॉइंट देखते रहते हैं, लेकिन समुंदर में जो सनराइज और सनसेट का व्यू का मज़ा है वो बहुत ही अलग है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के रिगार्डिंग आपके जो भी कमेंट और सजेशन रहते हैं वो वीडियो के बाद में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए सन का किस प्रकार सनसेट का व्यू है, आपको देखते ही बड़ा मज़ा आ रहा होगा। सोचिए हम रियल में देख रहे थे हमें कितना मज़ा आ रहा था। और एक जो हमारी इस लास्ट ट्रिप की जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि हमने हमें ऐसे वो मिला था, सजेशन मिला था कि एक बोट है वो ग्राउंड हो गई है। जनरली ये थोड़ा सा बोट से बड़ी साइज का है कि ग्राउंड हो गई है, तो इसको रेस्क्यू करने के लिए जाना है। तो हम भी पहुँचे थे रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, ये पत्थरों पे और ज़मीन पे इस तरह से चढ़ गई थी, पता नहीं इसके पायलट वगैरह क्या कर रहे थे। तक तो काफ़ी मुश्किल था, जब तक कि हाई वाटर नहीं हो जाता है इसको रिसीव करना काफ़ी मुश्किल था। आप भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक शिप और एक बोट ग्राउंड हो जाती है, तो काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसकी रेस्क्यू के लिए हमने पूरे 2 दिन प्रयास किया, उसके बाद में उसको आसानी से तो नहीं कर पाए, बहुत मुश्किल से कर पाए। जब हाई वाटर हुआ था तब जाके इस शिप को हम वहाँ से रेस्क्यू कर पाए, और उनमें जो लोग थे जिस मकसद के लिए आई हुई थी उसके लिए उसको आराम से फ्री किया जा सका।